إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں حاضرین مجلس احباب گرامی اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور پھر انسانوں میں سے سید الاولین والآخرین کا امتی بنایا ہے کلمہ نصیب کیا ہے اور ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے کہ جو ماننے والے ہیں اللہ رب العزت کائنات کا خالق اور مالک ہے اور جو مالک ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس کو جیسے چلائے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ لہ الخلق والعمر تیرے رب کی شان یہ ہے کہ پوری کائنات مخلوق اسی کی ہے تخلیق اسی کی ہے ٹیکنالوجی اسی کی ہے تو آرڈر بھی اسی کا چلے گا اللہ تعالیٰ نے خلافت باوجود کے ملائکہ متمنی تھے کہ یہ ہمیں ملے زمین کی خلافت اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عطا کی اور اس کے لئے جناب آدم اور سیدہ حواء علیہ السلام کو پیدا کیا جنہوں نے اس خلافت کو مان لیا جھک گئے سر تسلیم خم کر لیا اللہ کے ہاں ملائکہ گنے گئے اور جنہوں نے انسان کی خلافت کو خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا انکار کیا ابلیس بنا شیطان بنا راندہ درگاہ بنا دھتکار دیا گیا پھٹکار دیا گیا اللہ کی اس خلافت کو قائم کرنے کے لیے رب نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا تاکہ انسان آسمان کی رہنمائی میں عرش بری سے جڑے رہیں اور زمین والے جو چار دن کی زندگی ہے وقتی ہے عارضی ہے جس کے بعد ہمیشہ دائمی اور ابدی حیات ہے وہ اس کے لیے کچھ ایسی تیاری کر کے آئیں کہ اللہ کے ہاں سرخ رو ہوں اور میرا مالک انہیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے سیرت تاجدار انبیاء علیہ السلام کانفرنس کے سٹیج سے آج کا جو سبق ہے وہ بڑا اہم ہے اور یہ سبق مسلکی گروہی
इलाकाई नहीं है, ये आलमी है, ये इंटरनेशनल है, बैनुल अक्वामी है और पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि मेरे महबूब पूरे जहानों के लिए रहमत है और उनकी नबूवत सब के लिए। जैसे रब की उलूहियत पूरी कायनात के लिए है, रुबूबियत सब के लिए है, ऐसे ही मेरे महबूब की नबूवत भी सभी के लिए। आपको जो किताब मिली है वो भी आलमी है, बैनुल अक्वामी है, इंटरनेशनल है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में उसका सिक्का और उसकी धाक जो है वो बैठी हुई है और सिक्का जमा हुआ है। खुश नसीब हैं वो लोग जो कुराने मजीद के अंदर धुली हुई और उससे जुड़ी हुई मेरे पैगंबर की सीरत को, अकवाल को, अफाल को, अतवार को, लबो लहजे को, मुआमलात को, लेन देन को पूरी जिंदगी और अपनी हयाती में शामिल रखते हैं और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त इंतहाई इख्तिसार के साथ कोशिश कर रहा हूं, तौफीक देने वाला अल्लाह है कि अपने महबूब की सीरत की वो झलक आप अहबाब के सामने होनी चाहिए, जिसे बसाओकात हम बाज वजूहात पे पढ़ नहीं पाते, सुनने का टाइम नहीं मिलता। भाइयों, सबसे पहली चीज, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है, अपने बच्चों के लिए अच्छे नाम का इंतखाब करना, अच्छा नाम रखना, क्योंकि नाम पहचान होती है। ये मेरे और आपके महबूब की सीरत है, अरशे बरी पे आसमानों में महबूब का नाम अहमद है। अगरचे बाजार का माहौल है आमद रफ्त के सिलसिले और बिलखसूस ये बच्चों के, लेकिन आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि जो लोग बैठे हैं जिक्र महबूब है तो उस पे थोड़ी तवज्जो चाहिए। ये जब चेहरे और नजरें फिरती हैं ना तो फिर आने का मकसद समझ नहीं आता। लोग आते जाते रहते हैं, इब्तदाई अभी मरहला है, तो कम अज कम हम उस महबूब के साथ जुड़ के, अगर आप लोगों के चेहरे उड़े हुए, नजरें फिरी हुई होंगी, तो फिर सच्ची बात यह है कि इससे बेहतर था कुछ और कर लें। इन हिमाक बड़ा जरूरी है ताकि कुछ सीखें और फिर सिखाएं। यह सिर्फ स्टेज की या उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, घर घर के हर फर्द की, औरत और मर्द की जिम्मेदारी है कि अपने पैगंबर की सीरत और बिलखसूस जैसे हालात हैं वाले नाम में आसमानों पे और अफलाक पे मेरे और आपके मुर्शिद। आप स्टेज से ऐसा कर रहे हैं तो बाकियों से क्या उम्मीद, शेख थोड़ा सुन लें आप भी और हम मिलके, ताकि जिस मकसद के लिए हैं वो पूरा हो जाए। या मैं रुक जाता हूं, आप पहले बिठा लें सबको। मेरे और आपके मुर्शिद का नाम अपने बच्चों को सिखाओ कि अल्लाह ने अफलाक में अहमद रखा है। अहमद क्या है? जैसे अकबर, इसी वजन पे अहमद। अकबर का माना हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा। अल्लाहु अकबर। जितनी भी कायनात में चीजें बड़ी हो सकती हैं उन सबसे बड़ा अल्लाह है। और अहमद हमद से है। दुनिया में जितनी भी मखलूकात अल्लाह की हैं वो हर वक्त अल्लाह की तकबीर, तहमीद, तमजीद, तारीफ, सना, हमद बयान करती हैं। उन सब की तारीफों से बढ़ के अगर किसी इंसान ने इस कायनात में अल्लाह की तारीफ कर दी है तो वो मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपसे बढ़ के ज्यादा कोई रब की तारीफ नहीं कर पाए। काना यज़्कुरुल्लाह फी कुल्ली अहयान। वॉशरूम से निकले भी तो तब भी गुफरानक, और अंदर जाने लगे तो फिर भी रब के तज़किरे के साथ आप एंटर होते थे। ऐसा नाम है अहमद। और अल्लाह ने जमीन पे आपका नाम रखा है मोहम्मद। जब आपने अल्लाह की तारीफें सबसे ज्यादा की हैं
तो मेरे रब ने पूरी मखलूकात की जुबानों के ऊपर अगर तारीफ के एतबार से हर दौर में जितने भी बर्रे आजम हैं, जितने मुल्क हैं और जितनी जुबानें हैं, उनमें मोहम्मद रसूल सल्लम की तारीफ का सिलसिला जारी और सारी है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नाम रब का चुना हुआ, अल्लाह का इंतखाब, और पहली किताबों में याती मिन बाद इस्मुहु अहमद वो बताया हुआ। नाम के बाद है काम। आपके नाम बेशुमार हैं, सिफते हैं, वसफ हैं, शमायल हैं, आदात हैं, लेकिन दो मैंने मोटे मोटे जिक्र किए कि बाई नेम, नाम लेके कायनात के अंदर 24 घंटे हर हफ्ते के 7 दिन साल के 366 या 65 या जितने भी दिन बनते हैं जिस साल में, हर साल के अंदर अल्लाह ताला के महबूब का नाम और अल्लाह का नाम अजान के अंदर 24 घंटे गूंजता है। कोई मुल्क खाली नहीं, कोई चप्पा खाली नहीं, कोई जमीन खाली नहीं, और इसी तरह अगर मैं कहूं कि इस कायनात का कोई पल खाली नहीं। अभी हमने ईशा पढ़ी, ये सफर जारी है, ईशा आगे बढ़ रही है, बेशुमार मुल्कों से घूमती हुई पूरी दुनिया का चक्कर लगा के ये ईशा दोबारा वापस लौटेगी उधर से, और यूं सारा दिन सर्कल, सारी रात सर्कल, जहां जहां रात पड़ती जाएगी, मगरब शुरू फिर ईशा, इसी तरह आधी रात, कोई पल खाली नहीं, जब फजर, जोहर, असर, ईशा, मगरब, इनकी अजानों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेके तज़किरा जारी नहीं है। ये नाम देता क्या है? सबसे पहले इस नाम ने जो काम दिया है वो अल्लाह की तौहीद है, अल्लाह की तौहीद। रब की तौहीद जिस बंदे के पास है वो इस कायनात का अमीर तरीन, गनी तरीन और सबसे कीमती और महंगा और वजनी बंदा है। हम वजन बनाने के लिए बसा औकात जमीनें, पहलियां, ओहदे, रुतबे, सियासत वो चमकाते हैं, और फिर पता चलता है कि इस इलाके का चौधरी कौन है, बड़ा वजन है उस बंदे का। अल्लाह के यहां मच्छर की जितनी भी हैसियत नहीं, बल्कि मच्छर के पर जितनी भी हैसियत नहीं, सारी दुनिया की दौलतें, खजाने, माल मता इकट्ठे कर लिए जाए, कोई वजन नहीं अगर तौहीद नहीं है। और अगर तौहीद है तो कल कयामत के दिन एक शख्स आएगा, बड़े गुनाह, बड़े जुर्म, अल्लाह उससे पूछेंगे को कभी नेकी भी करी? भाइयों, ये तड़प के सुनने वाला जुमला है, कभी कोई नेकी भी की? कहेगा अल्लाह याद नहीं पड़ता। कोई अच्छाई भलाई है तेरे पास जिसका आज वजन किया जाए? गुनाहों के पलड़े तो भारी हैं। कहेगा कोई नहीं है। अल्लाह ताला मलाइका को हुक्म देंगे कि इस बंदे ने कभी तड़प के, सिद्ध के दिल के साथ मेरा नाम लिया था और मुझे वादा उला शरीक बोला था, अकीदतन सही था, वो पर्ची लाई जाए, एक कागज का टुकड़ा लाकर के अल्लाह के मीजान में रखा जाएगा, इस इंसान के जिंदगी भर के गुनाहों की जितनी भी तादाद थी और जितना भी वजन था, उधर कलमा तौहीद दूसरे पलड़े में है तो वो भारी हो जाएगा और इसके गुनाह हल्के हो जाएंगे और मेरा रब इसको जन्नतों से हमकिनार कर देगा। आज की इस कॉन्फ्रेंस की वसादत से पैगाम देना चाहता हूं कि ये तौहीद मसलक देवबंद या मसलक आलुल हदीस ही का खासा नहीं है। जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है, मां के पेट में उसे पालने संभालने वाला भी अकेला अल्लाह, बाप की पुश्त में संभालने वाला अकेला अल्लाह, मां की सीने की हड्डियों के पीछे उसे रखने वाला अकेला अल्लाह, दोनों को जायज तरीके से निकाह करवाने वाला भी अल्लाह, और इनको मिलवा के मां के पेट में, रहम मादर में उसको चिपकाने वाला भी अल्लाह, फिर बनाने वाला भी अल्लाह, जान, जिस्म, रूह,
जो भी कीमती तरीन चीजें हैं दुनिया को तो तेरा मेरा पता तब चला जब हम पैदा हुए तो किसी ने हाथ में पकड़ा, लेकिन तन्हाई में बना कौन रहा है, अकेला संभाल कौन रहा है। ये तेरी मेरी आंखों में 32 करोड़ कैमरे किसने डाले हैं, ये दिमाग के अंदर अरबों खरबों खुलिये किसने डाले, महंगा तरीन इंसान बना के जिसने दुनिया में भेजा वो अकेला अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद। यार आप लोगों की इंतजामिया नहीं कोई, मैं हैरान हूं वैसे, ऐसे माहौल में पहली दफा हुआ है। नहीं काफलों का नहीं, ये जो पीछे स्टेज के बच्चों का शोर है, मेरे और आपके महबूब ने पूरी जिंदगी जो जंगें लड़ी है ना, सिर्फ एक जुमले पे लड़ी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना कीमती जुमला है, इसके लिए इज्जतें भी गईं, जानें भी गईं, शहादतें भी हुईं। अल्लाह की किबरियाई के लिए, अल्लाह की रुबूबियत और उलूहियत के लिए। मेरे भाइयों, जो भी आपका मसलक है, कलमा पढ़ते हो ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तौहीद को अपने बच्चों में, घरों में, फैमिलियों में, खानदानों में, अपनी मार्केटों में, दोस्त अहबाब के अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज की तलकीन होनी चाहिए और दावत देनी चाहिए और फिक्र होनी चाहिए वो अल्लाह की तौहीद होती है, अल्लाह की तौहीद। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ, अजान गिने, इसके जुमले गिने और फिर इनको पढ़ें, सारी तौहीद की दावत। नमाज को देखें, सुबहानक अल्लाह से लेके पहले अल्लाह अकबर से शुरू करें, अल्लाह सबसे बड़ा है, तौहीद की दावत। सारे मसले सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी, सारी कायनात का शरीका है तेरे रब का, शरीका कोई नहीं रब शरीके से पाक। सब में कमजोरी हो सकती है, तेरा रब कमजोरी से पाक, इसमें भी अल्लाह की तौहीद। ये डबलिंग खत्म कर दें सादी आवाज ताकि ना ये बात समझें। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें नमाज सिखाई है और आप पढ़ते हैं कभी उसको देखें, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक तौहीद, व तबारक इस्मुका, अल्लाह गिरूं तो नाम तेरा, उठूं तो नाम तेरा, पीऊं तो नाम तेरा, खाऊं तो नाम तेरा, जीऊं तो नाम तेरा, अल्लाह किसी को मिलूं सलाम लूं तो नाम तेरा, मुंह में लुक में डालूं, बिस्मिल्ला पढ़ूं तो नाम तेरा, अल्हम्दुलिल्लाह कहूं तो नाम तेरा, शुक्र करूं तो नाम तेरा, मैं जागूं तो फिर नाम तेरा, मैं वुजू करूं बिस्मिल्ला तो नाम तेरा, अल्लाह मैं सलाम लूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो नाम तेरा, अल्लाह मस्जिद में दाखिल हूँ अल्लाहुम्मा फ्तह ली अबवाब रहमतिक नाम तेरा, नमाज करूं अल्लाह अकबर नाम तेरा, सना पढ़ूं सुबहानक अल्लाह नाम तेरा, फातिहा पढ़ूं अल्हम्दुलिल्लाह नाम तेरा, रुकू में जाऊं सुबहान रब्बियल अजीम नाम तेरा, सजदों में पढ़ूं सुबहान रब्बियल आला नाम तेरा, तशहुद में बैठूं अत्तहियातुलिल्लाह नाम तेरा, दुरूद पढ़ूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला नाम तेरा, मैं सलाम फेरूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह नाम तेरा, अल्लाह मैं जिक्र करूं तो नाम तेरा, मैं फिक्र करूं तो नाम तेरा, अल्लाह मैं रोजा रखने लगूं फिर भी नाम तेरा, मैं रोजा खोलने लगूं फिर भी नाम तेरा, अल्लाह मैं जिहाद में निकलूं तो नाम तेरा, ज़कात देने लगूं तो तेरे नाम पे, अल्लाह पूरी की पूरी जिंदगी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये है रब के साथ जोड़ आपका और मेरा। जो वक्त है वो अल्लाह ने दिया है, पूरी दुनिया मिलके एक सेकंड बढ़ा नहीं सकती, अगर बढ़ा सकते होते तो कम से कम 24 घंटों के अंदर 24 घंटे एक सेकंड कर देते, लेकिन नहीं होता। वो वक्त का खालिक, जमान का और मकान का खालिक, जमीन उससे बढ़ करके इंसान नहीं बना सका जितनी अल्लाह ने बना के दी है। लिहाजा रब की धरती पर रह के, अल्लाह के वक्त में रह के, अगर कभी वक्त अच्छा आ जाए तो बिगड़ना मत, अकड़ना मत। उसने बड़े बड़े नमरूदों को जूते मरवाए, बड़े बड़े फिरौन आए थे गोते खा के मारे गए, कारून आए थे धसा दिए गए। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है, नाम दिया है, तो रहे नाम अल्लाह का कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे पीछे अल्लाह के नाम के तज़किरे हों और तुम्हारी कब्र के अंदर तुम लेटे हुए हो और उसका अजर और उसका सवाब और नेकियां तुम्हें मिल रही हैं और तुम्हारे दराजात बुलंद हो रहे हैं।
यह है मेरे पैगंबर की सीरत। कोई पल ऐसा नहीं 24 घंटों में जो अल्लाह से जुड़ा हुआ नहीं। दूसरी चीज कि सिर्फ तौहीद नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट में तौहीद के नाम पे बहुत कुछ पड़ा है। तौहीद खालिस लेनी है, और तौहीद खालिस वो होती है जिसमें रब के साथ किसी को शरीक ना किया जाए। बाजार के अंदर दाल मिलती है, रोड भी बीच में होते हैं, मट्टी भी होती है, और बहुत कुछ होता है। बहुत कम दुकानें होती हैं कि जो सफाई करके बिल्कुल चेक करके कि कोई भी दाना मिक्सिंग वाला नहीं है, दाल है एक नंबर है, प्योर है, चावल है। मां घर के अंदर पकाने लगती है, बीवी पकाने लगती है तो उसको पहले साफ करती है, वैसे नहीं पका देती। इसी तरह अल्लाह की उलूहियत, रुबूबियत, वहदानियत, यकताई, उसके अंदर किसी की शराकत मत डालना। तेरे रब को यह गवारा नहीं, वगरना वो कुछ ना कुछ ऐसा करवा देगा कि फिर वो शराकत कभी बीवी में देखनी पड़ेगी और बर्दाश्त नहीं होगा। फिर अदालतों के अंदर कत्ल होंगे, फिर जो है वो झटके होंगे, फिर कभी औलाद के मसले। और जिस दिन औलाद ने शराकत करी ना, फिर दर्द होगा कि तेरे छोटे होकर के किस तरीके से तेरे मद्दे मुकाबला थे। अल्लाह की तौहीद खालिस लेनी है, प्योर लेनी है, शिरक नहीं करना। और भाइयों ये भी जुमला सुन ले, मार्केट में ये जुमला मशहूर है कि सही अल बुखारी के अंदर है कि मेरे महबूब ने कहा मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी। अगर ये आपको यकीन था और ऐसी ही बात थी और इसका सियाको सिबाक हदीस का यही था, तो फिर मेरे महबूब ने क्या कहा, ये क्यों कहा कि मन सल्ला युराई फकद अशरक, जो नमाज पढ़ते हुए दिखावा करे वो शिरक कर चुका है। दिखावे से रोका है कि नहीं, नमूद नुमाइश नहीं, जो काम करना है खुलूस से अल्लाह के लिए। अलालिल्लाहिद्दीनुल खालिस, तेरे रब के लिए सब खालिस। आपने फरमाया मन सामा युराई फकद अशरक, रोजा रख के, रोजा रख के ऐवें ही असर के वेले ना मोड़े तेरे माल सिर ते टोपी रख के कहिंदा आज रोजा, कल नालों बहुता नहीं लगता, ताकि दुनिया को पता चले कि इसने रोजा रखा। कहिंदा जी जो मर्जी हो जाए, जो छुट जाए, पर रोजा नहीं कभी छड्या। भी इनको बताने की जरूरत क्या है, सौम ली वान अज़ी भी, ये मेरे लिए है और मैं इसकी जजा दूंगा, बंधु ने तुझे क्या देना है। यहां मेरे और आपके मुर्शिद ने जुमला बोला जिसने रोजा रख के फिर दिखावा किया, फकद अशरक। और आप फरमाते हैं मुझे अपनी उम्मत पे जो सबसे ज्यादा जिन चीजों का खौफ है वो शिर्क असगर का है, और शिर्क असगर क्या है, दिखावा। कुरान मजीद, अगर आपने यही मकसद था कि उम्मत शिर्क नहीं करेगी, क्यों कहा सूरत रोम और आयत नंबर 31 में मेरे और आपके मुर्शिद पे कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने क्या फरमाया, वह अकीमुस्सला वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। सैयद वाला के सादात, सैयद वाला के शरीफ नफ्स लोगों, सैयद वाला के मुअज्जज तरीन इंसानों, कौन हो आप, ईमान वाले हो, ईमान वाले हो, रब आवाज देता है वह अकीमुस्सला, नमाज पढ़ना, शिरक न करना, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। तवज्जो कीजिएगा थोड़ी सी, अगर कोई शक है, शुबा बसौकात आ जाता है, नो प्रॉब्लम। हम इस बात से घबराते हैं कि कोई हमें काफिर ना कहे, कोई हमें मुशरिक ना कहे। अगर आम कोई मुफ्ती कहे तो बुरा लगता है, कोई भी कहे, दूसरा कहे, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर रब कहे तो, रब कहे तो, हमें कोई हरामी कहे हमें कतन गवारा नहीं। लेकिन कभी बाप का दिल इतना दुखता है कि वो अपने बच्चे को कह देता है तेरे कम हलाल दे है ही नहीं, तू मेरा है ही नहीं, मां कह देती है। रब कह रहा है नमाज पढ़ना शिरक ना करना, मुशरिक ना बनना। अल्लाह इसमें कौन सी शिरक वाली बात है, अजान हुई है मैंने दी है, वुजू मैंने किया है, अजान भी मैं देके आया हूं, मेरा गाहक आ गया, मैं मार्केट में आगे देने लग गया हूं सौदा, मैंने तो कोई शिरक नहीं किया, मैं तो पढ़ता हूं अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं जिक्र भी करता हूं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे पैगंबर पे जो कुरान उतरा, और कुरान मेरे पैगंबर की सीरत है, ये बात ज़हन में रखिए। कोई आयत ऐसी नहीं जो महबूब की सीरत नहीं। मैं उसके भी थोड़े से नमूने दिखाता हूं, लेकिन पहले ये बात मुकम्मल कर लें। कहा नमाज पढ़ो, मुशरिक ना बनो, और ये सारे मुसलमानों के कुरान में मौजूद है। नमाज पढ़ो, शिर्क ना करो।
अब चेक कर लें कि हमारी मस्जिदें कितनी हैं। जितना सैयद वाला की आबादी है उतने हिसाब से मस्जिदें नहीं है, इबादतगाह नहीं है उतनी। जितने घर हैं, हम घरों में बड़ी मुश्किल से पूरे आते हैं। जवान बूढ़े मर्द औरतें लगे रहते हैं, लेकिन ये तौफीक नहीं होती कि कुरान खोल के पढ़ ले। एक माँ का बेटा बाहर चला गया और अकेली माँ बेचारी पीछे इंतजार करते करते बड़े बुरे हालात के साथ इस दुनिया से रुखसत होती है। उससे पहले लोगों ने पूछा कि आपका बेटा आपको कुछ भेजता नहीं है। कहने लगी जब से गया है बस कोई खत पत्र चिट्ठी शिट्ठी भेजता है, उसी को चूम के सीने से लगा के फिर मैं रख देती हूं। जब देखा तो वो चेक थे पैसों के, जैसे माँ को इलम नहीं और बिचारी भूख प्यास बर्दाश्त करती रही, हालांकि वो पैसों के चेक थे। आसमान से रब ने चेक भेजे हैं कुरान मजीद के, कामयाबी के, कामरानी के। सारे मुसलमान कुरान मजीद पे ईमान भी रखते हैं, घरों में भी है, लेकिन फिर भी खसारा है, फिर भी गुर्बत है, फिर भी महंगाई है, आजमाइश है, परेशानी है। क्यों? कि हमने सिर्फ इसको रखा हुआ है, बस प्यास लगी है, बोतल बंद है, उठा करके चूम लिया, गले से लगा लिया, सर पे रख लिया, मगर क्या मजाल के इसको खोल के कभी इसका पानी भी पी लें। बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे? किनारे किनारे। शहद शिफा है, मगर कोई हकीम नहीं कहता कि इसकी बोतल लेके छोटी सी बच्चे के गले में लटका दो तो ठीक हो जाएगा। कुराने मजीद भी शिफा है, लेकिन अल्लाह ने कहीं नहीं ये कहा कि इसका तवीज बना के गले में डाल दो। ये अमल की किताब है, ये प्रैक्टिकल की किताब है, ये फहम की किताब है। इसने दिल बदले, हालात बदले, मगर हमने पैगंबर की इस सीरत को भी छोड़ दिया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के माहौल और मुआशरे में घरों की पहचान कुरान से होती थी। हमारे पता चलता है नेम प्लेट से, दुकान का पता चलता है बोर्ड से कि ये किसका है, फ्लेक्स से दुकान किसकी है, ये प्लाजा किसका है, ये होटल किसका है, ये मार्केट किसकी है, घर किसका, नेम प्लेट से। मगर महबूब के मदीने में जो पहचान थी वो घर में कुरान मजीद पढ़ने की आवाज से पता चलता था कि ये घर किन का है और किस लहजे में कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है। आप देखिए ना कि अगर घर के अंदर पठान बोल रहा हो तो वो अपने लबो लहजे से पता चल जाएगा पठानों का घर है। मुकामी आबादी का मुकामी लैंग्वेज में और लबो लहजे में बात हो रही है तो पता चल जाएगा। मोमिन कुरान पढ़ रहा हो, हमारे घरों में पहले बुजुर्ग कुरान पढ़ते थे, ये बच्चों के जागने की अलार्म वाली चीज और हैसियत होती थी। आज कहाँ है, ना बड़े पढ़ रहे हैं ना छोटे पढ़ रहे हैं। सीरत कॉन्फ्रेंस साल के बाद एक करवा ली, सारे मसलक वाले एक एक कोई दर्श करवा लिया, खुश हो गए जी माशाल्लाह जी सैयद वाला मेन बाजार के अंदर हम ये काम करते हैं। और फिर सारा साल उसको जो है वो दिखाया कि ऐसे बात नहीं है, एक एक पल का नबी और मुर्शिद है, हादी है, राबर है। मेरे पास जो वक्त बाकी है उसके अंदर मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से जो हमारे अंदर कमियां हैं उसका खुलासा रखना चाहता हूँ। हमारे अंदर सबसे पहली कमी है कि हम माथा और पेशानी तो रखते हैं मगर महबूब की तरह मुश्किलों में इसे अल्लाह के दर पे नहीं झुकाते। काना इदा हजबहु अम्र फाजिया इला सला, मेरे महबूब को जब भी कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी होती, कोई हाजत होती, जरूरत होती, आका अल्लाह के घर में आते, कयाम करते, रुकू करते, सजदे करते और पेशानी जमीन पे रख के कहते सुभान रब्बी अल आला, मैं मुश्किलों को कह आया हूँ क्या कर लोगी, मेरा रब सबसे बाला है, सबसे आला है। 1000 मुशरिक काफिर मुसल्ला होके असलिया लेके बदर में आ गया, मेरे महबूब के पास सिर्फ 313 हैं और उनमें भी बच्चे हैं। आपने क्या किया था? मामला मुश्किल दिख रहा था, वहीं पे रेत के टीले में मेरे पैगंबर ने सजदा करा, जबी साई की, पेशानी जमीन पे धरी और कहा अल्लाह उधर 1000 देख ले और तैयार देख ले, इधर मेरे पास 313 पूरी रूए जमीन पे यही चुन के लाया हूं
जो आज तेरा नाम लेते हैं, अगर यही खत्म हो गए तो फिर रूह जमीन पे तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। तेरी मर्जी है बचा ले, तेरी मर्जी है मरवा दे। अल्लाह ने फिर कैसे बचा के दिखाए, उधर 70 मरवा के दिखाए, 70 कैदी करवा के दिखाए और यौमुल फुरकान बना के दिखाया। हजरत ये है अल्लाह पर यकीन और अल्लाह पर तवक्कुल कि जब भी सैयद वाला में कुर्ब जवार में पूरी दुनिया में किसी भी इंसान पे कोई मुश्किल आए, पुकारे तो रब को, आवाज दे तो रब को, बुलाए तो रब को, झुके तो रब के सामने, झोली फैलाए तो रब के सामने। मगर हम इस मामले में नबी का कलमा पढ़ के कुछ उलट हो गए हैं। कभी अरश पर, कभी फरश पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिक की तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। ये कैसा आशिक है कि जिनका आशिक है वो तो कभी किसी के और के दर पे झुके नहीं, कभी गए नहीं। मांगा तो अल्लाह से 1,25,000 से ज्यादा मेरे महबूब के बुजुर्ग हस्तियां थी, अंबिया थे। अगर चाहते तो 1,25,000 अपने शागिर्दों को और अपने उम्मतियों को, सहाबा को कहते, एक एक हस्ती का जो है वो कब्र ढूंढो, दरबार बनाओ, मिजार बनाओ, मुजावर बनो और वहां सज्जादा नशीनी करो, इज्जत पाओ, नाम कमाओ और लोगों को बुलाओ, सजदे करवाओ। मगर मेरे मुर्शिद ने 1,25,000 के 1,25,000 को अरफात के मैदान में ले जाकर के जोहर और असर में जैसे झुकाया और एक रब के सामने झुकाया, मुज़दलफा में मगरब और इशा और फजर में झुकाया, मीना के अंदर जो है वो 3 दिन तलक रातों को मुबीत करवा के, कंकरियां मरवा के, सबको रजीम करवा के, पीछे हटा के एक अकेले अल्लाह के साथ जोड़ा। ये आज ताल्लुक मफकूद है। अपने बच्चों को, औलादों को मुश्किलों में अल्लाह से जुड़ना सिखाइए। इस वक्त पाकिस्तान पे मुश्किल है और बड़ी तकलीफ में है रियाया, क्या करें? अल्लाह से शिकवे करें? रब शिकवे के लिए नहीं, रब शुक्र के लिए। इकरार करें, अल्लाह गलती हमसे हुई है, हमारे हाथों की कमाई है, तेरा कोई मामला नहीं। अल्लाह तू देने वाला है, तू रहीम है, तू गफूर है। अल्लाह जितना थोड़ा बहुत माल है, मैं ये नहीं कहता कि अंबार लग जाए, बाजार भर जाए। अल्लाह अगर एक रोटी भी है तो उसमें भी बरकत डाल दे। जब रोटी में बरकत डल गई तो फिर इंशाल्लाह वारे नहीं आ रहे हैं। अल्लाह औलाद थोड़ी है बरकत डाल दे, माल थोड़ा है बरकत डाल दे, जिंदगी थोड़ी है बरकत डाल दे। जब रब बरकत दे देगा तो सब मिल जाएगा। इमाम नबी सही मुस्लिम के शारे हैं, 36 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर उनका अमल, उनका काम, उनकी मेहनत और उनकी तहरीरें और अदब और तशरीहात तौज़ीहात पढ़ें तो शायद हम 100 साल की भी उम्र में वो काम न कर पाएं जो 36 साल की उम्र में वो करके इस दुनिया से रवाना भी हो गया था। जिंदगी में बरकतें मांगो। इसी तरह मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत में सबसे अहम चीज जो थी वो आंख का हया था। आज यकीन कीजिए, सब कुछ है, आंख में हया नहीं रही। कोई मसलक जितने मर्जी बड़े दावे कर ले, हर मसलक तरबियत करता है। मैंने नहीं देखा कोई मसलक ऐसा हो जो तरबियत ना करता हो। तरबियत करता है, दावत देता है, निसाब बनाता है, वक्त लगाता है। मैं एक सिख को मिला, मैं क्या जी तुहाडे की मसला, कहिंदे पुत, मैं क्या ए बड़ी मोहब्बत नाल बोलन डे हो, पुत्र कहन डे हो, तुहानू पता है कि मामला की है। मैं एक सवाल लेके आया, कहिंदे की है, मैं क्या तुहानू सब तो बड़ी प्रॉब्लम की है, कहिंदे जी रब दा दित्ता सब कुछ है मगर साडे जिहड़े सिख ने ना वो सिख मजहब ते नहीं रहे। नौजवान मुंडे वो नहीं मनांदे, हुण वो वाल कट्टी फिरदे ने, साडे ते गुरु ने नहीं सी कट्टे। सिख को शिकवा, हिंदू को मिला, हिंदू कहता है कि हमारी रीत रिवाज वो वाली नहीं रही जवानों, यूरोप की तरफ मायल, फुलां की तरफ मायल। मैं ईसाइयों को मिला, तुम्हारे यहाँ क्या मसला है? कहते हैं कि जो हमारी किताबों में इलम है वो लोगों के अंदर नहीं पाया जा रहा। यहूदियों को भी यही शिकवा है। फिर एक बात कहूं, मेरे नबी के उम्मतियों को भी यही मसला है। इनके पास पैगंबर की सुन्नत तो है मगर दाढ़ी नहीं पाते, मजबूर है बेचारे। मेरे महबूब का इलम भी है मगर अमल नहीं है। मेरे पैगंबर की आंख का हया सारे मसलक बताते हैं मगर नौजवान बेटे में भी नहीं रहा, बेटी में भी नहीं रहा, बुजुर्गों में भी नहीं रहा, बच्चों में भी नहीं रहा। माजरत के साथ अगर मैं बुजुर्गों को कह रहा हूं तो किसी वजह से कह रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसकी बेटी बहन बीवी बहू के मामले में वो गैरत ना खाए, दयूस है, वो जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। अगर हमारे घरों में पर्दा नहीं है,
पैगंबर के तो घरों में पर्दा था, सारी बीवियों का, आपकी बेटियों का और मेरे पैगंबर के असहाब के अहले खाना का। ईशा के बाद आयत उतरी है फजर को, लंबी चादरें लेकर के सारे हाथों पे सिलाई करके टुकड़े जोड़ के, ये नहीं कहा कि बाजार खुलेगा कपड़ा आएगा खरीदेंगे तो देखी जाएगी, उसी वक्त अगली फजर जो है उसकी तैयारी शुरू कर दी और फजर पर्दे में पड़ी। ये थे उम्मती और ये थी उनकी हया, हालांकि कह सकते थे हमने एक दूसरे का चेहरा देखा हुआ है, हमसे छुपा क्या, मगर हम में ये चीज नहीं रही। उसके बाद है हमारे कान, पैगंबर के कान हक सुनते थे गलत नहीं सुनते थे। अगर कोई गाली दे रहा है तो मेरे महबूब उस गाली से साइड पे हो जाते, झूठ बोल रहा है सुनी अनसुनी कर दी है, शिरकी या जुमला बोल रहा है तवज्जो नहीं दी, इसलाह हुई तो कर दी, एलानिया कर दी, मगर हमसे म्यूजिक हम सुन रहे हैं नबी की उम्मती है, काफिर भी सुने, मुसलमान भी सुने, यहूदी भी सुने, मुस्लिम भी सुने, ईसाई भी सुने, मुस्लिम भी सुने, सारे मसलकों वाले पैगंबर को अपना महबूब तो मानते हैं ना मेरे भाई, तो फिर ये कान की हया कहाँ है, सीरत कहाँ है। इसी तरह मेरे मुर्शिद ने जुबान की पाकीजगी दी, पूरी जिंदगी मेरे मुर्शिद ने झूठ नहीं बोला, हमारे अंदर झूठ आम, आपने गाली नहीं दी हमारे अंदर गाली आम, आपने कभी गीबत नहीं की हमारे अंदर गीबत आम, आपने कभी जुबान से हासिदाना जुमले नहीं बोले हम हासिदाना जुमले बोले। इधरू चिंगची लेंदे ने पीछे पेंटर तो लिखवांदे ने लिख शरीकां नूं अग लग दी, मोटरसाइकिल लिया उस पर लिखा होता है, साइकिल पे लिखा होता है, ट्रैक्टर ट्राली पे लिखा होता है जलने वाले का मुंह काला। तेरे मेरे मुर्शिद ने ऐसा कोई जुमला नहीं किसी को सुनाया, शरीक आपके भी थे मगर आपने जुबान को पाकीजा रखा, जुबान से निकला क्या दुआएं निकली, जुबान से क्या निकला वही निकली, जुबान से क्या बोला हक बोला, फराइज बताए, दावत दी, पैगाम दिया। मैं परेशान हूं, आप यकीन करें कोई माहौल ऐसा नहीं कि जहां गाली नहीं है, गंदगी नहीं है, गिलाजत नहीं है, लगवियात नहीं है, फजूलियात नहीं है, लतीफा गोई नहीं है। मेरे मुर्शिद ने कहा था जो लतीफा सुनाए सिर्फ इसलिए कि लोग हंसे, कितना बुरा अंजाम बताया, मगर हमारे आम चलता है, स्टेज ड्रामे चलते हैं, कहानियां चलती हैं, दास्तानें चलती हैं, तो जुबान में भी हम गुफ्तार में सच्चे नहीं निकले। इसी तरह मेरे मुर्शिद की गर्दन में पूरी जिंदगी, आप चाहते तो 360 दिनों के लिए अलग अलग तवीज बनवा लेते हसनैन करीमैन का। आप मेराज पे गए थे, आप वहां से कुछ ले आते, डोरे ले आते, कलर के धागे ले आते, अनवाओ अकसाम के कड़े ले आते, छल्ले ले आते और इन शहजादों को पहनाते, मगर आपने इनको क्या दिया, ये दिया मेरे महबूब ने, वो हमारे पास नहीं है। मेरे महबूब के सीने में कीना नहीं था, सीरत ताजदार अंबिया, आपके सीने में कीना, मेरे सीने में कीना, इधर हसद उधर हसद, दो दुकानदार दूसरे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, दो बड़े ताजर मंडी में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, दो सियासतदान एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, दो सियासी पार्टियां एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रही, एक शौहर के घर में दो बीवियां वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रही, एक मस्जिद में दो बुजुर्ग वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हजरात चारों तरफ, लेकिन मेरे मुर्शिद की जिंदगी में ऐसे नहीं है। हजरात सीना पाक है, अलम नशरह लक सदरक, ये रब ने गवाहियां दी हैं और मेरे महबूब ने दुश्मनों के लिए भी सीने साफ रखे। आपको पता है जब पत्थर मारे गए बदले के लिए, जब रब ने कहा कि फरिश्तों जाओ अगर मेरा महबूब कहे तो इन पहाड़ों में इन ताइफ वालों को पीस के रख दो, मगर मेरे मुर्शिद ने सीना साफ करके क्या बोला था, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह नहीं अगर हमको कोई मौका मिले ना हमारे मध्य मुकाबल दूसरे फिरके या ग्रोह या जमात या मजहब या बिरादरी वाले को, हमारी ताकत है तो हम रगड़ के रख देते हैं। लेकिन मेरे मुर्शिद ने क्या कहा, फतह मक्का हो रहा है, कहा जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान के घर चला जाए उसे कुछ नहीं कहना, जो रब के घर चला जाए कुछ नहीं कहना, जो अपने घर में दाखिल होकर कुंडी लगा ले उसे भी कुछ नहीं कहना। दोस्ती भी मेयारी, दुश्मनी भी मेयारी, मगर हमारे सीनों के अंदर मालूम नहीं क्या क्या, कितनी गंदगी, कितनी गिलाजत भरी हुई है और हिकत और कीने जीने ही नहीं देते। सीरत सुनने आए हो तो पेट का भी इलाज करो, मेरे और आपके महबूब के पेट में कभी हराम का लुकमा नहीं गया।
अगर सीरत सुननी है पढ़नी है, अपनी कमाइयों पर नजर सानी करें, हमारी कमाई क्या है। हर बंदा माशाल्लाह पूरे तरीके से भार नाल तैयारी कर रहा हुंदा कि सवेरे जिहड़ा दही लाउणा ना या दुध लाउणा है उहदे च वाह वाह बच जाए। उसने इत्तेफाक आपने जलसा रखा ही बाजार में, अब क्या करें, मंडी के लोग हैं। इन मंडियों को मेरे रब ने बर्बाद कर दिया था नाप तोल में ऊंच नीच की वजह से शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को। सिर्फ क्या करते थे, वैलुल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम। ये होता था वहां पे, लेना होता था तो बाट और पैमाने और, देना होता था तो बाट और पैमाने और। हमारे साथ क्या है, तवज्जो करना जरा, क्या मीटर कह के गज नहीं चलता, और गज हमने मार के टेढ़ा नहीं किया होता, फिर उसमें हाथ की सफाई नहीं दिखा जाते। और लाहौर में मैंने ये मंजर देखा, लीटर कह के गडवी देते हैं, गडवी नु चेब पाए ने कि थोड़ा जा पाइया स्टांक दूध जेड़ा घट दो घटे, गाय भैंस खालस दे दे तो दे दे, अल्लाह माफ आगे घर वाला खालस नहीं देता, उन्हें अपने हिस्से का पानी पाया। जो लेने के लिए आया उसने अपना डाला हुआ है, इसने इकट्ठा करके जिसको जाकर के दिया है ओ माशाल्लाह यूरिया भी पाई फिर बर्फ दे बुलाक, बर्फ दे बुलाक भी सिटी फिर, और पीछे एडा वड्डा बैनर जिडा कॉन्फ्रेंस का ना एडा ही लाया होंगे पूरा, मिलावट साबित करने वाले को 5 लाख नकद इनाम। और हदीस लिखी होती है मन गशना फलैसा मिन्ना, प्योर और खालिस शायद की कहीं भी इश्तिहार पढ़ लें, किसी बंदे का शायद ऐसा नहीं है जो खालिस नहीं, किसी कंपनी का हर बंदे ने। मैं पिंडा च फिरना बाहर वेना तो शायद लभदा को नहीं, छोटा शायद कितने लभदा, जो स्प्रे कर करके असीं उदा मक्खियां मारती, ते जेड़ी दुकान ते टुर जाओ जेड़े पंसारी को टुर जाओ लभ जाएगा, भाजी शर्ती है माशाल्लाह एक नंबर जैनवन। मैंने रफान वालों से पूछा फैसलाबाद है तुहाडा शीरा जिहड़ा छल्ली दा किधर जांदा, कहण लगे जी सारा शीरा असीं भेजीदा, कंपनियां लैंदियां ने गलासां च बोतलां च पैकिंग अपनी, तो फिर उत्ते लिख दिंदे ने एक नंबर छांगा मांगा का शहर, कहिंदे सारा छल्ली तों बणन लिया, देसी घिओ छल्ली तों बणाउंदे आ असीं। ये तो है जो चले फिर भी कुछ जैनवन है, तो जेड़ा पाउडर तो दुध बनन दिया तो माशाल्लाह कैमिकल तो बनन दिया, उसका जिम्मेदार कौन है, सारे नबी के उम्मती। ये जो लुकमे लेके अपने बच्चों के पेट में डालोगे क्या करोगे। यहाँ एक सबक सिखाना चाहता हूँ, छठी क्लास में हमारे उस्ताद जी ने रसूल सल्लम का बताया कि आपने कहा मन गश्शा ना फलैसा मिन्ना, जो नकल मारे वो हम में से नहीं, उन्होंने तर्जमा ये किया था जो नकल मारे वो हम में से नहीं, उस्ताद थे हम तालिबे इल्म थे। कहने लगे कि बेटा अगर सबक भूल जाए, सवाल याद नहीं आ रहा, छोड़ दो, नहीं तो नकल मारोगे, पूछोगे, नंबर मिल जाएंगे, सनद में ऐड हो जाएंगे, डिग्री में मिल जाएंगे, कल को इस पे जॉब लगेगी, जितनी जिंदगी कमाते रहोगे उसमें हराम शामिल होता रहेगा, बच्चों को खिलाते रहोगे हराम शामिल होता रहेगा, फिर अल्लाह हराम खाने वालों की कभी दुआएं नहीं सुनते, वो जितने मर्जी रोते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक शख्स है मुसाफिर, अल्लाह मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं करते, बाल परा गंदा है और उसके कपड़ों की हालत वैसी पड़ी हुई है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, हाथ उठाए हुए, बंदा हाथ उठाए तो रब को शर्म आती है कि बंदे को खाली मोड़े, और अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह का इसमें आजम ले रहा है, अल्लाह के नामों से पुकारा जाए तो अल्लाह रद्द नहीं करते, देते हैं, लेकिन अल्लाह क्यों नहीं दे रहे। मलबसहु हराम व माकलहु हराम व मशरबहु हराम व गुज्जिया भी हराम, मैं इसको कैसे दे दूं। सवेरे नाश्ते च एक काम करया जे, जेड़ी चीज च भी नाश्ता करना ना प्लेट लैके इत्थे सीवरेज सिस्टम है या नालियां ना जी, नालियां ना इंज करया जे घर दे अगे जेड़ी नाली गुजरन डई है ना ओदे विच प्लेट अद्धी क गंदी करके अम्मी नूं कहो जे अम्मी इहदे विच आंडा ते रख दे, जे हत्थ ते डोई ना आवे ते मां नहीं देगी, ते बेगम कोली टुर जाए जे प्लेट लबेड़ के उहनूं कहा, हालांकि तुहाडा दाबा चलदा होएगा माशाल्लाह ओह करके बुलाउंदे होवोगे, चौधरी लोग वजके आले हो डंडे सोटे आले हो माशाल्लाह चेहरे तो लगन दिया कि तुम तगड़े हो, तुहाडे घरां च तुहाडा रोब है, मुछां दे अंदाज दसण दे ने कि बड़े माशाल्लाह गुसीले से रोहिले बंदे हो,
सवेरे क्या जे प्लेट फड़ के ना इदा जरा लबेड़ के बेगम एदे च आमलेट ते रखी, साग पवाया जे बेगम दाल डाल के नहीं देती, साग डाल के नहीं देती, तेरा रब तुझे जो अपनी बरकत और रहमत कैसे डाल के देता। अहलन वसहलन मरहबा। हजरात रब से रहमत मांग रहे हो ना, दुआ मांग रहे हो, खैर मांग रहे हो, भलाई मांग रहे हो, अच्छाई मांग रहे हो, तेरे रब ने ऐलान किया है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाया, इनको कह दो ये सफर में है, मैं मुसाफिर की दुआ कबूल करता हूँ, ये हाथ उठाए हुए हैं, मैं दुआ रद्द नहीं करता, ये मेरा इसमें आजम लेके पुकार रहे हैं, मैं रद्द नहीं करता, लेकिन इनका खाना हराम का, पीना हराम का, मलबस हराम का, माकल हराम का, मशरब हराम का, इसका जुस्सा हिस्सा एक गोश्त पोस्त हराम का, इसमें कैसे डाल के दे दूं, रहमतें कैसे दे दूं। मेरे भाइयों पैगंबर की सीरत भी सुनते हैं और पेट में लुकमे हराम के भी भरते हैं, यतीमों का गरीबों का भी खाते हैं। मैंने पूरी जिंदगी ढूंढा है मेरे पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम की जिंदगी में कम अज कम अहले बैत के 8 अफराद फौत हुए, 8 अफराद, एक भी जनाजे के बाद मेरे मुर्शिद ने यह ऐलान नहीं किया कि हजरत एक जरूरी ऐलान सुनो, कल इतने बजे मस्जिद नबवी के अंदर फातिहा खानी होगी और कुल शरीफ जो है ना उसका खत्म होगा, तो आप हजरत तशरीफ लाइएगा ताकि सवाब दारैन हासिल कर सके। पैगंबर से बढ़ के सवाब की तलब किसी और को नहीं थी, कोई मौका नहीं छोड़ा जो सवाब वाला और महबूब ने ना किया हो, असहाब ने ना किया हो, अहले बैत ने ना किया हो। 8 फर्द भी गिनवा दूं, गिन लेना जरा। मेरे पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम के तीनों बेटे, तीन बेटियां आपकी जिंदगी में फौत हुई हैं, 6 आपकी अहलिया सैयदा खदीजा और सैयदा जैनब बिनते खुजैमा, ये भी फौत हुई हैं आपकी जिंदगी में। जाओ पूरी जिंदगी तारीख ढूंढो, सीरत पढ़ो, रिसर्च करो, टिल लगा दो, आपका जौन सा मसला क्या, अपनी किताबों के अंदर देखो, असलाफ को पढ़ो। मस्जिद नबवी में ये नहीं कि ऐलान नहीं होते थे, ऐलान बहुत सारे होते थे। आइए एक ऐलान दिखाऊं, वो भी खाने का है। महबूब ने आज ऐलान करवाया कि जिसके घर में जो पका ले आओ, जिदे घर जिसके पास जो बेचारों के उस वक्त था, कोई खजूर है, कोई पनीर है, जिसने जो बनाया है पका है, कोई रोटी सालन जो दाल साग था ले आया, दस्तरखान बिछाया गया, मस्जिद नबवी में लगाया गया और आपने ऐलान किया कि मैंने शादी की है तो ये मेरा वलीमा है। अगर अपने पास हिम्मत ना हो, दोस्तों के घर जो थोड़ा बहुत है, सादगी के साथ आपने वलीमा किया, ऐलान भी हुआ, मस्जिद नबवी में दस्तरखान भी लगा, खाना भी लगा, खाया भी, और पैगंबर जो खाते हैं पाकीजा होता है, पाकीजा कुलू हलालन तय्यबा, हलाल भी हो और दिल भी माने। अक्सर साथी कहते हैं कि हलाल तो है, आप खाते क्यों नहीं? ओ भाई पकीजा नहीं है, मेरे मुर्शिद ने यतीम का माल नहीं खाया, बाप मरा है, बच्चा यतीम है। इन्नल लदीना याकुलून अमवाल अल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, ये जो इस बच्चे के घर से आप ले रहे हो ना, बच्चे के घर से, ये आग के अंगारे हैं जनाब, बिरयानी नहीं है, टेस्टी वैसे ही है, रंग वही है, कलर वही है, सब कुछ वही है। अगर शुगर का मरीज है, चीनी क्यों नहीं देता डॉक्टर? मीठी नहीं है, खाता नहीं रहा, हलाल नहीं है, दिल नहीं कर रहा, कर रहा है, तैयब भी है, पकीजा भी है, दिल भी मान रहा है, हलाल भी है, सारे खाते हैं, ये क्यों नहीं ले रहा, चाय में भी नहीं डालता? वो जी मेनू परहेज है, कहते हो ना, तो फिर मोमिन का उन चीजों से परहेज होता है जिससे मुस्तफा अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया होता है, तो इसलिए अपने पेट के अंदर, इसी तरह शर्मगाह के अंदर मेरे महबूब की सीरत ये रहे है कि निकाह करो, सिफा नहीं, निकाह है, हया है, और कहा दो चीजों की जमानत जो मुझे दे दे मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं, दो जबड़ों के दरमियान जुबान और रानों के दरमियान शर्मगा। आज पूरी दुनिया में जो तूफान बदतमीजी है और बिलखसूस उम्मत मुहम्मदिया में अला साहब सलातो व तस्लीम, सीरत सुनते सारे हैं, मानता कोई नहीं, मनाते सारे हैं, सारे मसलक सीरत नु किसी ना किसी शक्ल च मना लेंगे, मनन की वारी आती है तो फिर बेचारे परेशान हो जाते। गल एंड ते करिए, पैरां तू खैर मैं मकौनी सी, मुअज्जज मेहमान भी आ गए ने, गल लंबी करना मुनासिब नहीं, एक दूजे नू ते आपां सारे ही कह लैने आ, कदी अपने गिरेबान च भी झांक के वेखी एक गल करन लगा, इत्थे माशाल्लाह 90-90, 80-80, 70-70 साल दे बाबे बैठे ने, सीरत कानफरेंस सुनदे उमरां गुजर गईयां, पढ़दे उमरां गुजर गईयां,
हुजूर ने एक सहाबी नू कहा सी गाल नहीं कढ़नी ते ओह कहिंदे ने फिर मैं पूरी जिंदगी गाल नहीं कढ़ी ना किसी इंसान नू ते ना किसी हैवान नू। एक दफा सिर्फ आपने कहा था ला तसुबन्ना अहदा। आपने भी जलसा सुना है, उलमा से सुना, बार बार सुना, मुख्तलिफ मसालिक से सुना, गाल जायज नहीं आगी। तो साडा तो कल्चर ही है वे बूटा गाला ना कढ़े तो की करे। यही कल्चर है ना आपके भी सैयद वाले में। फिर कहिंदे बूटा गाला कढ़दा। सीरत सब ने सुनी है, गाली का पता है ना हराम है। पूरे एंड तलक उतो लैके आ पूरे स्टेज ते मेरे समेत एक बंदा एक ते हाथ मार के कह सकता है कि मैं जिंदगी च कभी गाल नहीं कढ़ी। उम्मतियां नूं पुछण डिया काफर तो नहीं ना बैठे, मुसलमान ही ने सारे। कोई मने ना मने अपने आप नूं तो कहिंदे जे ना मुसलमान। तो कोई यार एक अद्धा ही मुसलमान हाथ चुके आप कैमरे दा रुख उधर नूं करिए कोई वेखीए आ जे साडा अमल। मेरे मुर्शिद ने कहा एक शख्स आया कहने लगा महबूब कोई सबक ही पढ़ा दे। आपने कहा गुस्सा नहीं करना। उस शख्स के हालात जिंदगी में ये जुमले हैं। जब से उसने रसूल सल्लम का ये दरस सुना और सीरत का ये पहलू लिया फिर पूरी जिंदगी हमने उसको गुस्से में नहीं देखा। इतने एक जवान खड़ा होके कवे एक बुजुर्ग कह दे मैं कभी गुस्सा नहीं किया। कल एक बंदे ने हाथ चुक लिया कहना मैं नहीं कभी किया। तो मैं उन्होंने दो एक दफा पूछा गुस्से ना क्यों कह दिया प्यार ना कहला। वो इस गल से भी गुस्सा कर। एक ने डसके हाथ चुके उन्हें कहा जी एक मैं कभी गाल नहीं कड़ी एक मैं जिंदगी गुस्सा नहीं किया। दो ही मैं मिले ने बंदा एक बयान वे दो सन। मैं कैमरे मैन क्या मैं भाई ये कैमरे करो पांच सत उत्थे लोग कट्ठे कोई मोबाइल ला के बैठा से कुछ वो जो उठ के कैमरे सीधे कर लगे मैं क्या वह करे जिन्हें कभी खुद गुस्सा नहीं किया खुद गाल नहीं कड़ी वह भी बह गए। अगर उसूल ये होता कि अदालतों में जज वो बनेगा जिसने खुद कोई जुर्म नहीं किया तो आज सारी अदालतें खाली होती। कॉन्फ्रेंसों पे लाखों के खर्चे, जिम्मेदारियां आदत बन गई, रूटीन बन गई, इबादत ना बना सके। उन्हें क्या जी मैं कभी गाल भी नहीं कड़ी कभी गुस्सा भी नहीं किया। मैं क्या जवाना आज तो मैं कॉन्फ्रेंस से आया जिंदगी रही तो मैं इंशाल्लाह तेन स्पेशली मिलन आवांगा। इन्नी जिंदगी गुजर गई है 50 साल तू कम अगे टप चुलिया अज पहला बंदा लभा है तो चलो उन्होंने मिलना तो चाहिए। कहिंदा जी कोई शक नहीं बेशक तुसी गवाही आण के महल चु लै लिया। जी मैं मैं महल नहीं पुछना। कहिंदे फिर मैं मैं घर शादीशुदा जी। कहिंदे जी मैं मैं बाजी नूं पुछना। कहिंदा जी फिर तो आहो और मेरे मुर्शिद की गवाही कौन दे रही है। एक महीना महीना आप बाहर चले जाते थे सत्तू लेके तुहानू किसी बेगम ने रोकिया अज ना जा मौलवियों नूं रहण दे हालात ठीक नहीं है अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो जाते अल्लाह ना करे कुत्ता सिर्फ शलवार ही पाड़ जाए ना उन्हें पांच गल्लां सुनाउणियां ने होर जाया कर होर कर ना फरमानियां बेगम दियां मौका ढूंढती है। मगर मेरे मुर्शिद के घर की गवाही क्या थी सही अल बुखारी जब आप कह रहे थे इन्नी अखाफु अला नफ्सी जम्मिलूनी जम्मिलूनी उस वक्त बीवी कहती है कल्ला वल्लाही अबशिर लन युज़य्यकल्लाहु अबदा। महबूब ये हो ही नहीं सकता अगर आप जैसे किरदार इस दुनिया से खत्म हो गए तो फिर बाकी बचेगा क्या। फिर वो पांच मुसबत चीजें देखी जो पूरी दुनिया की वेलफेयर सोसाइटियों की असास है। जितनी भी भलाई की फलाही तंजीमें जितने दुनिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर कामयाबी और कामरानी के मंसूबे बनते हैं वो उन्हीं पांच चीजों के ऊपर बेस करते हैं। आज दी कॉन्फ्रेंस तो बाद कोई एक शायद करिए ना दावे नाल पी जेड़ी असी आज तो बाद नहीं करांगे वो मेरे ख्याल यही कर लिए बाजार च बैठे हैं कि मैं जेड़ा काम करना मैं उधर च दो नंबर ही नहीं करांगा। भाजी मिंबर ते बैठा जे जान अल्लाह ने देनी है अज तलक कदी भी किसी गुफ्तगू च दो नंबरी करन दी कोशिश इसलिए नहीं की कि मैं अपने मसलक नूं जिता लां। जो हक है जो बरहक है जो सही है वही कहना है। ज़ईफ नहीं मौजू नहीं मन घड़त नहीं मुजय्यन करने के लिए वाकयात नहीं कि इससे ये हो जाएगा बल्ले बल्ले हो जाए नारे हो जाए लला लला हो जाए नहीं। एक ही तड़प लेके घर से निकले तो झोली उठाई अल्लाहुम्मा दिकौमी फैन अल्लाह एक बंदा दे दमी ओदा भी दिल बदल गया ना तो अल्लाह साडे लिए सौदा फैला। दुआएं करते हुए कभी इस अंदाज में नहीं कि मौजू बयान कर दो मन घड़त बयान कर दो। और हमारा ये ऐलान है सुनिए मर भी जाए ना जिंदगी में ना चाहते हुए भी अगर कहीं लाशऊरी में भी कोई रिवायत ज़ईफ मौजू मन घड़त बयान हो गई है कब्र पे कतबा लिख देना अल्लाह की कसम हमारा मरने के बाद भी उससे रुजू है जिंदगी में भी उससे रुजू है।
क्यों मेरे महबूब ने कहा है जो मेरे जिम्मे झूठ लगाता है वो बात मैंने नहीं की। वो मत समझे कि सैयद वाला ने उन्हें इज्जत देके इस सोफे पे बिठाया है। अल्लाह ताला कल कयामत के दिन उसे जहन्नम की आग के अंगारों की कुर्सी पे बिठाएंगे। फल ये तबव्वा मकादहु मिनन्ना, तो ये डर रख के जिए। अल्लाह और उसके रसूल की हया का तकाजा यही है कि रब जो कहते हैं वो करें, जिससे रोकते हैं रुके। मैं वादा लेना नहीं चाहता है, मैं अल्लाह ना करे वादा खिलाफी हो जाए कि, क्योंकि मुनाफिक दी के भी अलामत रसूल सल्लम ने दसी है कि वादा करे तो वादा खिलाफी करे। ये भी कोई नहीं है कि अज तक हथ मार के मैंने दस सकिया जो कवे कि मैं वादा किया तो वादा खिलाफी नहीं किया। सने सा ख्याल है चलता ना, फिर कोई इलाज करिए, कोई बदली अपने आप न। थोड़ी जी लाइट का मसला बनिया तो परेशान सा ना, भी इंतजाम ठीक नहीं होया। सोने जे कल क्यामत आले दिन कोई थोड़ा जा मसला बन गया, अल्लाह ने सिर्फ इन्ना कह दिता। बाबा जी कहते होंगे मुजाहदाबादी के मच्छी खा के सारा कुछ करके दंद च फेरद है ना तीला ते अंड ते कहिंदा चस नहीं आई, कहिंदे मच्छी वड्डी गई टुकी गई जिसम दी शक्ल बदल गई, मिसाले लग गए मर्चें लग गई, तेल में जली तली खाई तूने पेट में उतार दी, फिर तू कहना मजा नहीं आया। जब कल नु तेरे रब ने कितने कह दिता तेन बंदा बना के भेजा सी पर तू बंदा बन के नहीं आया, तेरी बंदगी का मजा नहीं आया, की करेंगे। तो महबूब के सामने जाना है, कौसर के जाम भी लेने हैं। याद रखिए मैं भावे बिदत करा ना माफी मैनू भी कोनी जे, शिरक मेरा वालिद भी करे तो माफी ओनू भी कोनी जे। ये छड़ो मसल की जंग तू निकलो, तौहीद खालस शिरक तो बगैर ते सुन्नत खालस और सीरत बिदत तो बगैर। अल्लाह की कसम जेड़ा मर्जी तुहाडा ना है जन्नत भी तुहाडी है ते महबूब भी तुहाडे ने ते रब भी तुहाडा है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।